हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन ऑफ बांसुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में अध्ययन करेंगे जल के रूप। जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं कि जल का रूप चल रहा था, फॉर्म ऑफ वाटर। जल के रूप चल रहे थे, जिसमें आप अध्ययन कर रहे थे गुरुत्व जल, नंबर दो आर्द्रता ग्रही जल, नंबर तीन रासायनिक बंदी जल, रासायनिक बंदे जल, नंबर चार केसी का जल। पौधों को मुख्य रूप से प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है? केसी का जल। इनके बारे में आप पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया था, तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि पौधा को मुख्य रूप से प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है? केसी का जल। जल के रूप में हम बात करते हैं होलार्ड। होलार्ड क्या है? मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा को क्या कहा जाता है? होलार्ड बोलते हैं। ध्यान रखें, होलार्ड बराबर होता है केसार्ड प्लस इकार्ड। मैं यहां लिख देता हूं, होलार्ड बराबर केसार्ड प्लस इकार्ड, केसार्ड प्लस इकार्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं होलार्ड की। होलार्ड बराबर केसार्ड प्लस इकार्ड होता है, लेकिन होलार्ड क्या है? मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा को क्या कहा जाता है? होलार्ड बोलते हैं। मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा, मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा को होलार्ड बोलते हैं। एक होता है केसार्ड, मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो पौधों के द्वारा क्या होती है? अवशोषित होती है। ध्यान रहे, पौधों के द्वारा अवशोषित उसे क्या बोलेंगे? केसार्ड बोलेंगे। इकार्ड क्या है? इकार्ड होता है मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, पौधों को उपलब्ध नहीं होती। उसे क्या बोलते हैं? इकार्ड बोलते हैं। ध्यान रहे, तो होलार्ड बराबर क्या होता है? केसार्ड प्लस इकार्ड। होलार्ड मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा, केसार्ड होता है पौधों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा, और इकार्ड होता है कि वह मात्रा जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती है उसे हम क्या बोलते हैं? इकार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौधों में जल अवशोषण के अंग। पौधों में
पौधों में जल अवशोषण के अंग। निम्न श्रेणी के पौधों के अंदर जल अवशोषण के लिए विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। उनके शरीर की सभी कोशिकाएं जल अवशोषण क्रिया में भाग लेती हैं। ध्यान रहे, जैसे शैवाल, कवक, इनमें जल अवशोषण के अंग नहीं पाए जाते, इनके शरीर की सभी कोशिकाएं जल अवशोषण में भाग लेती हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर जल अवशोषण के लिए मूलाभास पाए जाते हैं, राइजोइड बोलते हैं, मूलाभास ध्यान रखना है, राइजोइड बोलेंगे, राइजोइड्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा के अंदर जल अवशोषण किसके द्वारा होता है, मूलाभास, राइजोइड बोलेंगे, जबकि निम्न श्रेणी के पादप शैवाल, कवक आदि के अंदर जल अवशोषण का नहीं पाए जाते, इनके शरीर की सभी कोशिकाएं जल अवशोषण का कार्य करती हैं, जबकि उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर जल अवशोषण के लिए सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है, मूल तंत्र पाया जाता है, अर्थात मूल तंत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं, अनेक मूल रोम पाए जाते हैं, उन मूल रोमों के द्वारा जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ध्यान रहे कि पौधों में जल अवशोषण के अंगों की बात चल रही थी, अर्थात निम्न श्रेणी के पादप शैवाल, कवकों के अंदर जल अवशोषण के लिए विशेष प्रकार के अंग नहीं होते हैं, उनके शरीर की सतह की कोशिकाएं जल अवशोषण भाग लेती है। ब्रायोफाइटा में मूलाभास और राइजोइड पाए जाते हैं, जिसे राइजोइड बोलेंगे, जबकि उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है, जिनके द्वारा क्या होता है, जल अवशोषण पाया जाता है। और इससे आगे हम बात करेंगे इसी टॉपिक में मूल सीरीज के क्षेत्र जो आप 11वीं क्लास में पढ़ा था उसकी बात करेंगे, कि जैसे मूल गोप्र है, विभिजोतक क्षेत्र है, दीर्घीकरण क्षेत्र है, परिपक्व क्षेत्र है और मूल रोम क्षेत्र है, इनके बारे में दोबारा से भी बात करेंगे और 11वीं पढ़ भी चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।